नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज बनाने वाले हैं आलू पालक की सब्जी, बिल्कुल नए तरीके से बनेगा। इस तरह से तो आपने बनाकर नहीं खाई होगी, तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं बनाने। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक गुच्छी पालक लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया अच्छी तरह से, तो इसमें जैसे ही उबाल आने वाला है, देखिए उबाल आ चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे पालक और एक उबाल आने तक इसे पलट पलट के पकने देंगे। तो देखिए एक उबाल आ चुके हैं, तो गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। निकाल करके ठंडे पानी में इसे रख देंगे ताकि इसका कलर हरा का हरा रहे। हल्का सा सॉफ्ट भी हो गए हैं ये। तो अब एक मिक्सी के जार ले लेंगे, उसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे और चार पांच कलियां लहसुन के डाल देंगे और एक इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। एक चौकी हुई टमाटर ले लेंगे और पालक इसी में डाल देंगे। पालक बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं क्योंकि पानी चिल्ड था, तो इसमें डालकर पीस लेंगे। देखिए इस तरह से पीस गए हैं, इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। दोबारा से मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और दो आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके धो लिया है, धोकर इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो छोटे टुकड़े करके भी पीस सकते हैं, पर छोटे छोटे से रह जाते हैं, इसीलिए मैंने ग्रेट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से पीस लिया है और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। और ले लेंगे आधी कप बेसन, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसे मिला लिया है, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये घोल, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। जो जिसमें मैंने आलू पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी लेकर के मिक्स कर दिया है इसमें, और इसे तीन चार मिनट फेंट लेंगे आज, ताकि थोड़ी सी हल्की हो जाए और जो हम रेसिपी बनाएं वो थोड़ा सा फ्लफी बने। तीन चार मिनट मैंने इसे फेंट लिया है, थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसमें एयर भर गए हैं, तो अब इसे ढक करके साइड में रख देंगे। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है और उसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होते ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, एक मोटी वाली इलायची जरा सा मुंह खोल करके डाला है, दो लौंग डाल देंगे। सारे खड़े मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो डाल देंगे एक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हल्का ब्राउन सा होने लग गया है तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबको साथ में ही भून लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं, सूखे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। करीब एक मिनट मैंने इसे भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट। अब इनको एक दो मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया था उसमें ये हाथों से ही मैश किया हुआ पनीर रखा है मैंने, ये डाल देंगे, करीब 100 ग्राम के आसपास है। इसे भी कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप चाहें तो पनीर को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही मैश कर दिया, फटाफट से जल्दी से हो जाता है। और इसे तो घोल में ही मिलाना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेटर से ही ग्रेट करें। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें एक दो चम्मच के करीब पानी मिला देंगे। दो मिनट पकने के बाद इसे एक कटोरी ले लिया है, इसमें पानी रख देंगे ऐसे, एक प्लेट रख देंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे आयल से या घी से, कोई भी चीज से कर सकते हैं। अब ये जो घोल तैयार किया था इसे इसके ऊपर डालकर बराबर कर लेंगे। फ्लेम को मैंने लो मीडियम पे रखा है और इसे तीन चार मिनट के लिए अच्छी तरह से ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए पाँच मिनट पक गए हैं। पाँच मिनट पकने के बाद देखिए ऊपर से ही देखने में लग रहे हैं कि अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं, तो अब इस प्लेट को निकाल लेंगे। तो मैंने प्लेट निकाल लिया है और ये जो गर्म पानी है जो कटोरी में रखा हुआ था इसे इसी में डाल देंगे पानी, ये 1/4 कप के आसपास है।
और इसे अच्छी तरह से चला देंगे। आपको ग्रेवी गाढ़ी और पतली जो भी रखनी है तो इसमें पानी, गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जम गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है, अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो जो इच्छा हो उस तरह से कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसके पीस इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से पीस इसके निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरह के पीस मैंने काटे हैं। आप चाहे तो इसे छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इनके सारे पीस निकाल लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बगैर तेल का है, इसमें कोई तेल वगैरह नहीं डली हुई है। तो आप बिना तेल का खाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना करके खा सकते हैं। तो देखिए प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से आप, लेकिन ठंडा करने के बाद निकालिएगा, गर्म गर्म में निकालेंगे तो टूट सकते हैं। तो देखिए साइड वाले थोड़े से पीस ऐसे निकल जाते हैं, जो क्योंकि गोल हमारा प्लेट है, यदि चौकोर प्लेट में हम इसे रखते हैं जमने के लिए तो सारे पीस ऐसे ही निकलेंगे, इस तरह के पीस नहीं निकलेंगे। तो देखिए लो फ्लेम पर ढक दिया था मैंने, तो देखिए अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और इसमें जो पीस काट करके मैंने रखा है इनको डाल देंगे। मैंने इस तरह घोल को अच्छी तरह से फेंट लिया था, इसलिए थोड़ा सा फ्लफी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। खाएंगे तो भी पता चलेगा आपको, तो इसके लिए एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे चला दिया है, दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, देंगे तो इसे अलट पलट कर देंगे। यदि आपको और ग्रेवी चाहिए होती है तो आप इसमें गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं, और ऐसे ही लटपटा सा चाहिए होता है तो ये बिल्कुल सही है। तो इसे हम अब उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाइएगा, यदि ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो गल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये पहले ही कुक हो चुके हैं और फ्लफी काफ़ी है तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। तो देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें दोबारा से तड़का लगाने वाले हैं ताकि हमारी सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। इसमें 2 चार कलियाँ लहसुन के काट करके डाला है, और डाल दिया है 1 हरी मिर्च चीरा लगा हुआ। जब ब्राउन हो जाए लहसुन, अच्छे से पक जाए, तो उसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी सब्जी में डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, नए तरह की स्वादिष्ट सब्जी कर देंगे सर्व। आपके घर में जो लोग पालक खाना नहीं चाहते हैं वो इस तरह से बना करके देंगे, तो हफ्ते में 3 बार यही बनवाएंगे। तो देखिए बिल्कुल लजीज सी सब्जी हमारी बन करके हो गई है तैयार। इस तरह की सब्जी किसे खाना पसंद नहीं होगा। तो यदि मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।